मैसेज दो, कृपा करो, जीत हार तो जो होनी है हो गई, हम तो है नहीं, बीजेपी का सांसद ही बनेगा, नेचुरल है, स्वाभाविक है, पर आपका एक मत नेताओं की अक्कल ठिकाने लाएगा, हम जैसे लोगों को अहंकार रहित रखेगा। आदरणीय इंदौर वासियों, इंदौर माहौल की नगरी में हम सब रहते हैं, ये हमारे लिए पिछले जन्म में पुण्य किए होंगे तब ऐसा शहर मिला। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, देशभक्ति सबसे बड़ी अपने आप को स्वस्थ रखने की भी है, दूसरी देशभक्ति है इस देश में लोकतंत्र को जिंदा रखने। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अभी जो कृत्य हुआ इंदौर में, इसमें अपहरण हुआ है, राजनीतिक माफियागिरी क्या होती है वो हुआ है। मैं अनुरोध करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी प्रमुख विपक्षी दल जरूर है, मेरी विचारधारा उत्प्रोत है, मैं आइडियोलॉजी से कांग्रेसी हूँ, पर मेरे शहर के लिए राजनीति से ऊपर उठकर, मेरे हित और स्वार्थ से ऊपर उठकर भी मुझे बात करनी चाहिए। ये कांग्रेस का प्रत्याशी क्यों गया, इसके कई कारण हो सकते हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, पर भारतीय जनता पार्टी के इतने भारी बहुमत मिलने के बाद मैं समझता हूं कि इस तरह का कृत्य आपको चुनौती देता है। मेरे मतदाता बंधु कहता है कि तुम्हारी, हम तुम्हें कुछ नहीं समझते हैं, मैं ज़्यादा बोल कुछ नहीं बोलते, इतना ज़रूर कहना चाहता हूं, अगर इस तरीके का चलता रहा तो जनप्रतिनिधि डरना बंद हो जाएंगे। नगर निगम में 150 करोड़ से ज़्यादा काम नहीं हुआ, बिल बने और लोगों ने पैसे ले लिया, अधिकारियों पे गाज गिर रही है, अधिकारी के पास आता है 10 पैसा, बाकी सब जाता है बीजेपी के सत्ताधारी लोगों के पास। हो जाएगा, सब बच भी जाएंगे, किसी का नाम भी नहीं आएगा, सरकार उनकी है, पर अल्टीमेटली आपके बेटे का, आपके परिवार से जो टैक्स लेते हैं उस टैक्स का ही तो पैसा था, वो जो कर्ज लेते हैं, जो आपके बच्चों को चुकाना है, नगर निगम कर्ज लेती है उसको चुकाना है, वही तो पैसा था। ये हठधर्मिता है, कैसी भाषा है लोगों की, कितनी हठधर्मिता। सुमित्रा महाजन जी ने, एक बुजुर्ग महिला, इतनी बार इतनी अच्छी महिला थी, तभी तो लोगों ने इतना चुना, सौम्य थी, सरल थी, हमें भी वो कभी डांटती थी, भटकारती थी, हमें अच्छा लगता था कि एक ऐसी नेता है हमारी जिसको देश में जाना जाता है। अभी दूसरे नेता हैं जिनको देश में जाना जाता है, उन्होंने क्या कृत किया, अब वो अपनी बातें छुपा रहे हैं, 67-68 साल के हैं वो, गुस्सा आता होगा उनको मैं जब ये बातें करता हुआ, बिल्कुल सच है, आना भी चाहिए, पर मैं उनके बेटे जैसा ही हूँ, मैं भी इसी शहर का हूँ, मैं एक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, नेतृत्व कर रहा हूँ, तो मेरा भी दायित्व उतना ही है जितना विपक्ष में रह के, जिनका इनका सत्ता में रह के। मैं आग्रह कर रहा हूँ, अंतिम बात आपकी, मैं बेटा हूँ आपका, मैंने कभी कोई अहंकार हठधर्मिता नहीं की, गलती हुई हाथ जोड़ के क्षमा मांगी, गलती हुई एहसास किया इस बात का कि मेरे शहर के लोगों में मेरी इमेज अच्छी रहे, हर बार जिया, मैं हार दी मेरे शहर ने मुझे, तो भी मैंने कभी छोटापन नहीं किया, और जीत दी जब भी अहंकार नहीं किया, आपके नाम को बढ़ाने की कोशिश की, अहंकार भी नहीं रखा। मैं जब से हूँ विपक्ष में ही हूँ, सत्ता कभी नहीं मिली मुझे, पर मैं बिना लालच, बिना डरने वाला व्यक्ति हूँ, आपकी कृपा आशीर्वाद ऐसा बना रहे कि मैं जैसा हूँ वैसा रहूँ। मेरा आग्रह है, लोकतंत्र को ताकत देना है, आपके वोट को ताकत देना है, पार्टी छोड़ना है इस बार, आपको एहसास कराना है इंदौर के मेरे परिवारजन कि ताकत है मत की, ये देश में मैसेज देगा, इंदौर शहर ने स्वच्छता का मैसेज दिया, ऐसा लोकतंत्र में इस तरह के कृत्यों को भी मैसेज देना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे, हम विपक्ष में हैं इसलिए नहीं कह रहे हैं ये बात, धीरे धीरे हठधर्मिता की पराकाष्ठा होगी और राजनीतिक माफिया राज इंदौर शहर पे छा जाएगा। मैसेज दो, कृपा करो, जीत हार तो जो होनी है हो गई, हम तो है नहीं, बीजेपी का सांसद ही बनेगा, नेचुरल है, स्वाभाविक है, पर आपका एक मत नेताओं की अक्कल ठिकाने लाएगा, हम जैसे लोगों को अहंकार रहित रखेगा, कृपा करके पार्टी चाहे जो हो, लोकतंत्र इंदौर का सम्मान बचा रहे, इसके लिए एहसास कराओ और नोटा में बटन दबाओ। धन्यवाद।